उनकी हड्डियां गर्मी देती। शंभू का गोदी नाम क्या है?
शंभु माँ दाओ, शंभु माँ दाओ, शंभु माँ याने मेरा, दाओ याने बाप, शंभु मेरा बाप। भी लोग बोलते हैं, जितने भी मूल भी हैं वो यही बोलेंगे कि शंभु हमारा बाप है, हम शंभु के वंशज हैं, हम शंभु के वंशज हैं। लेकिन हम गोड लोगों के थोड़े करा ज्यादा प्रेम से जुड़े हुए हैं। जो गोड़ी सुमिरन है जिसको गोड़ी मंत्र बोलते हैं, जो गोड़ी सुमिरन है जिसको हम गोड़ी सुमिरन कहते हैं, जिसको गोड़ी मंत्र आप बोल सकते हो, उसमें कहीं भी शिव शंकर महादेव शिवलिंग ये नाम नहीं है। शिव शंकर महादेव भोलेनाथ नीलकंठ ये नाम हमारे किसी सुमिरन में नहीं है। इसलिए जब आप अपने बाप को याद करते हो तो शंभु बोलोगे तब वो सुनेगा। मुझे सुशीला बोलोगे तो मैं सुनूंगी, मेरे 50 नाम आपने दिए मैं बीच पीछे में पलट के नहीं देखूंगी। इसे जो असली नाम है वो नहीं। हमारे में पुणे में दूध की खार और पानी की खार का रिवाज नहीं। हमारे यहां दूध की धार पानी की धार का रिवाज नहीं है शंभु के ऊपर। ये आर्यों की बनाई हुई व्यवस्था है और हम आर्य नहीं है। हम आर्य नहीं है क्योंकि आर्य तो अभी आए 3,500 साल पहले। आर्य कब आए? 3,500 साल पहले आर्य आए। उसके पहले से हम रह रहे हैं, कब से? करोड़ों साल से हमारे बाप दादा यहां रह रहे हैं। इसलिए हम आर्य नहीं है। तो फिर हम कौन है? हम आर्य नहीं है, हम कौन है? गोड है। जितने भी धर्म है हमारा धर्म नहीं है, हम प्रेमी। जो हमारे पुरखे लोग जिस चीज को जिस रिवाज को जिस संस्कृति को मानते थे उसको प्रेम कहा जाता है। हम प्रेमी है, हम धर्मी नहीं है। धर्म को धारण करना पड़ता है। धर्म को कोई भी धर्म हो उसे धारण हिंदू लोग अपने देवी देवताओं को अपने पूर्वजों को पूरी ईमानदारी से मानते हैं।
मेरा समाज, भक्का सिर्फ मेरा समाज। कई परिवार ऐसे देखे हैं कि जहां बाप है गायत्री वाले, दादा की गायत्री वाले हैं, बेटा राधा स्वामी वाला है, बहू है गुरुदेव वाली है, और ना भी है ईसाई। ऐसे परिवार भी देखे, क्या कचरा बना के रखा है अपने घर को? किस तरह से कचरा बना के रखा है? मैं कचरा शब्द पर भी लोगों ने आपत्ति की कि जब आप बोलती हैं कि आप घर का कचरा बाहर निकालिए, घर का कचरा बाहर निकालोगे तब तुम्हें आपके घर में आपके अंदर प्रवेश करेगा। सिर्फ कपड़े पहन लेने से, जेवर पहन लेने से आप लोग पुनेरी नहीं हो जाते। यह मंच पर आकर के आपने जय सेवा जय खराब में जय के नारे लगाए और घर जाकर के आप शाम को घंटी बजा बजा करके गणेश की आरती कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, ये नौटंकी बंद कीजिए। ये दो बारों पर सवारी बंद कीजिए, अंदर से बाहर तक प्योर बनिए, उन्हें भी घर के अंदर दिल में दिमाग में। घर से बाहर सब धर्मों का सम्मान हमने किया है हजारों साल से लाखों साल से, आगे भी करेंगे। आपको पता है बस्तर में जब वो लोग गायत्री में शामिल करते हैं, अच्छा ये हिंदू वाले जो है इनको और ईसाइयों को इनको पता है कि मटके में इनके पेन होते हैं, पेन होंगे तो पेन आएगा मटका थे कौन कहते पंजमा कल मनता, सबको पता है कि इनके पेन मटके में होते हैं, सबको पता है। अब तो यह क्यों गायत्री भी ले रहा है उस परिवार को, तो तुझे वो मटके के पेन से क्या मतलब? वो कहते हैं कि भैया हाँ तुम्हारे मटके में पेन है क्या? नहीं जी हमारे यहाँ नहीं, हम तो सड़क में रहते। अच्छा तुम्हारे दादा के क्या होगा? तुम्हारे दादा का तो जरूरी होगा मटके में पेन। तो हाँ वो पेन गोंडी में है, पेन गोंडी में है मटके नहीं। वो कौन कौन है जो कावड़ यात्रा का आयोजन करते हैं? वो कौन कौन है जो कावड़ यात्रा का आयोजन करके मेरे नस्ल को प्रदूषित कर रहे हैं? कौन है वो? कावड़ यात्रा हमारा रिवाज नहीं है, कावड़ यात्रा हमारा रिवाज नहीं है। अपने धर्म के प्रति कितने किस तरह से अपने आप को समर्पित करना है पूरी ईमानदारी से ये सीखना है, तो आपको मुसलमानों से सीखना होगा, आपको सिखों से सीखना होगा। ये लोग घर के अंदर अगर सिख है तो घर के अंदर प्योर सिख रहेगा, दूसरे धर्म का कोई सामान क्या नहीं मिलेगा। यही बात मुसलमान की है, घर के अंदर वो कट्टर मुसलमान है लेकिन जब दरवाजे के बाहर निकलते हैं तो दरवाजे के बाहर घर के बाहर जब आप निकलते हैं तो आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ भाई बहन के साथ रहना पड़ा। भारत में हमने सत्यों का सम्मान किया, हमारे पूर्वजों ने सत्यों का सम्मान किया। कभी सुना है कि गोंडों ने मस्जिद तोड़ दी? कभी सुना है कि मंदिर तोड़ दिया? कभी गिरजाघर तोड़ दिया सुना? कभी किसी गुरुद्वारे में आग लगा दी सुना? क्यों नहीं सुना? क्योंकि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या ये सारे धर्म मानने वाले लोग हमारे धर्म का सम्मान करते हैं, हमारे पुण्य का सम्मान करते हैं? इस पर भी चिंतन क्या कीजिए कि जब वो हमारे इसका सम्मान नहीं करते हम कैसे करें, हम कैसे करें? अभी बहुत उपवास चल रहे हैं महिलाओं के, सावन के हरताली का तीज आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, संतान सप्तमी आएगी, उसके बाद नवरात्रि भी आएगी दुर्गा। अभी गोबर पे यानी भैंसा सुर का आपने जय जयकार किया, बिना भैंसा सुर के हमारा खेत नहीं होता, कोई भी गोदी गांव बिना भैंसा सुर का नहीं होता, होता है क्या? बिना पैसा सुखा कोई गोडी गांव हो ही नहीं सकता। तो आप दुर्गा की पूजा कैसे कर सकते?
आज दुर्गा की पूजा कैसे कर सकते, उनको करने दीजिए जिनका धर्म है उनको कर, उन्हें उससे आप हमको आपत्ति नहीं है। हिंदू लोग अपने देवी देवताओं को अपने पूर्वजों को पेशाब करते लोगों ने बताया करवा रहे हैं वो कि आप अपने पेड़ों को उठा करके झाड़ के नीचे डाल करके उसके ऊपर पेशाब करो, थूको उसके ऊपर, आपसे आपके ही पुरखों का अपमान करवा रहे हैं। आपने गायत्री बनाए तो उस पेन से, उस मटके के पेन से आपको क्या मतलब? आपने ब्रह्म कुमारी बनाया उनको आपको मटके के पेन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपने ईसाई बनाया आपको उसको मटके के पेन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन बस्तर में लोगों ने बताया कि मैडम वो ऐसा करवा रहे हैं। जब वो हमारे पेड़ों में इतना अपमान करवाते हैं तो अगर मैं कहती हूं कि दिल दिमाग से अपने घरों से कचरा साफ करो, कचरा बाहर निकालो, और जब तक आप कचरा बाहर नहीं निकालोगे आपको पुनर्जन्म का साक्षात्कार नहीं होगा। हमारे पेन कितने पावरफुल हैं, हमारे पेन कितने पावरफुल हैं। आप लोग खुद अनुभव करके अपने दादी नानी बताती होंगी आप लोगों को कि पेन में कितनी शक्ति है हमारी। लेकिन उनको मालूम है विदेशियों को इनके पेन ही इनकी शक्ति है, इसलिए इनके पेनों को भी गड़बड़ करना चाहिए। बहुत सारी चीजें अभी आप लोग जो उपवास करेंगे वो छोटी सी किताब पढ़ते हैं आप, हड़ताली का ठीक दुर्गा इसकी उसकी, आपने आखिरी लाइन क्या है पीछे का, पीछे की लाइन पर लिखा रहता है कि अगर आपको इसका अच्छा परिणाम चाहिए तो ब्राह्मण को दान करो। आखिरी में लिखा रहता है किताब में, मैंने पढ़ा आखिरी में लिखा रहता है कि अगर आपको इसका अच्छा परिणाम चाहिए तो ब्राह्मण को दान करो। हमारे बाड़ी तरफ रहता बाड़ी का होता पेन घोंडी की दूसरी अगर दूसरे में प्रवेश के और नमक खाएंगे केवल हम ही लोग रहते हैं, हमारी सगा संबंधी रहते हैं, कोई ब्राह्मण नहीं रहता। नमक खाएंगे हमारे पेन घोंडी में कोई ब्राह्मण पूजा नहीं करता। फिर उस ब्राह्मण को दान करने के लिए क्यों करता ब्राह्मण यानी आर्य, आर्य आर्य 3,500 साल हुए थे और हम यहाँ करोड़ों साल के वासी हैं। क्या होता पेन घोंडी की दूसरी अगर दूसरे जान प्रवेश के और नमक खाएंगे केवल हम ही लोग रहते हैं, हमारी सगा संबंधी रहते हैं, कोई ब्राह्मण नहीं रहता। नमक खाएंगे हमारे पेन घोंडी में कोई ब्राह्मण पूजा नहीं करता। फिर उस ब्राह्मण को दान करने के लिए क्यों करता ब्राह्मण यानी आर्य, आर्य आर्य 3,500 साल हुए थे और हम यहाँ करोड़ों साल के वासी हैं, हम क्यों दान करें उनको, क्यों दान करें? हमारे पूर्वज इनके हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, हमारे पूर्वज इनके हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। क्यों नहीं पीते थे, क्यों नहीं पीते थे उनके हाथ का पानी? इसीलिए आपको छत्तीसगढ़ के बस्तर के सुकमा में जाके देखना चाहिए, सुकमा जिले के 900 गांव खाली हो गए, गोरी गांव 900 खाली हो गए सुकमा जिले के, उनको मार मार के भगा दिया गया वहां से, मार मार के भगा दिया गया, 900 गांव गोरी गांव खाली हो गए। अब उस जगह पे बांग्लादेशी आके बसे, बांग्लादेशियों से ना तो सरकार को कोई दिक्कत है और ना ही नक्सलवाद को कोई दिक्कत है और ना ही सेना को कोई दिक्कत है, वो आराम से रहे इंडिया लगवा, वो आराम से रहे। अब वो जो भागे हैं वहां से 900 गांव के जो वो इधर जो भाग रहे हैं जिसमें से आधे तो मर गए उनके सदमे से, उनके सामने अगर वो अधिकारी जाएगा या वो अधिकारी किसने वो निर्णय दिया वहां से उनको हटाने का, क्या वो उसकी नाक का पानी पिएंगे?
अभी जो सोनभद्र में हुआ अचानक 300 ट्रैक्टरों में लोग आए, वो गोली काम, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि यूपी में भी गोली काम हो सकते हैं, लेकिन मेरा कार्यक्रम हुआ गोली काम नहीं हुआ था मेरा कार्यक्रम, तब उन्होंने बताया मैंने पूरा काम गौरव में, मुझे बहुत अचंभा हुआ कि यूपी में भी गोली काम हो सकते हैं, वैसे ही वो गोली काम था सोनभद्र, पूरा चारों तरफ से घेर करके पूरे बंदूकों से लैस होकर आए थे 300 गाड़ियों में, आसपास से 13 लोग खेतों में काम कर रहे थे और वहां पर उन्होंने गोलियां चलाई और उनको मार दिया। अब आप बताओ जिन लोगों ने उन पर गोलियां चलाई, जिन्होंने उन्हें मारा, क्या वो व्यक्ति उनके हाथ